हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सब रूटीन्स। पहले हम ये देख लें कि इस टॉपिक पे पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं, तो क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल रिटर्न इंस्ट्रक्शन। 2019 पिछले साल आया था ये पेपर, पिछले साल आया था ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स का है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सब रूटीन एंड राइट ए सब रूटीन टू एक्सचेंज कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर पेयर डीई विद एचएल रजिस्टर पेयर। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2019 व 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सब रूटीन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, 2018 में आया है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टैक एंड सब रूटीन। ये क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का है, 2016 और 2015 में आया है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द वर्क्स कैरिड आउट बाय माइक्रोप्रोसेसर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 2012 में आया है। अब हम सबसे पहले सबरूटीन की डेफिनेशन देखते हैं। Subroutine is a group of instructions written separately from the main program to perform a subtask that occurs repeatedly in the main program. तो subroutine का मतलब क्या है? It is a group of instruction. और ये group of instruction किस लिए लिखी गई है? कि कुछ task perform करने के लिए। और subroutine कब काम में लेते हैं? जब ये group of instruction आपके program के अंदर बार बार repeat हो रही हैं। जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, एक प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं, उसके बाद ये 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, फिर कुछ ग्रुप ऑफ कमांड्स आ रहे हैं, लेकिन फिर से ये 3 इंस्ट्रक्शंस रिपीट हो रही हैं, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, फिर से कुछ कमांड्स आ गए, फिर से इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3। तो अब इस केस में हम क्या देख रहे हैं? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो 3 इंस्ट्रक्शन हैं, ये प्रोग्राम के अंदर 3 बार रिपीट हो रही हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो प्रोग्राम के अंदर बार बार रिपीट हो रही हैं, तो उन्हें बार बार लिखने के बजाय हम क्या करते हैं? उन्हें मेन प्रोग्राम से अलग लिख देते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम सबरूटीन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो ग्रुप है इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, इसको हमने मेन प्रोग्राम के अंदर एक स्टेटमेंट से रिप्लेस कर दिया। तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो इंस्ट्रक्शन थी तीनों, इसकी जगह सिर्फ हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, कॉल 2050। नेक्स्ट जब भी ये इंस्ट्रक्शन आ रही थी, फिर से हमने सिर्फ ये लिखा है कॉल 2050। जब ये तीसरी बार आ रही थी, तो भी फिर सिर्फ एक लिखा है कॉल 2050। और ये जो 3 इंस्ट्रक्शन जो बार बार रिपीट हो रही थी, ये इसको हमने मेन प्रोग्राम से अलग किसी लोकेशन पे स्टोर कर दिया है। जैसे यहाँ हमने ये अज्यूम किया है कि ये तीनों इंस्ट्रक्शन हमने लोकेशन 2050 पे स्टोर करी है, तो 2050 ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस बता रहा है। यहाँ पर हमने ये तीनों इंस्ट्रक्शन स्टोर कर दी और एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन और लिखी है रिटर्न, जो कि हमारे सब रूटीन से वापस मेन प्रोग्राम पर आ गए। और ये जो इंस्ट्रक्शन हमने मेन प्रोग्राम से हटा के दूसरी जगह लिखी है, इनको हम कहते हैं सब रूटीन। ये जो तीनों स्टेटमेंट्स जो प्रोग्राम के अंदर बार बार आ रही थी, उसको हमने मेन प्रोग्राम से हटा के दूसरी जगह सिर्फ एक बार लिखी हैं, और इन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं सब रूटीन। तो यहाँ पे ए ऑब्जर्वेशन में हमें क्या पता चल रहा है? पहले हमारा प्रोग्राम की लेंथ काफी बड़ी थी, जैसे ही हमने सब रूटीन का काम लिया, तो हमारे प्रोग्राम की लेंथ छोटी हो गई है। और हमें मालूम है कि जो प्रोग्राम छोटा होता है, उसको समझना, उसको डीबग करना, डीबग का मतलब होता है कि प्रोग्राम के अंदर गलतियों को ढूंढना और उन्हें सही करना, वो बहुत सिंपल हो जाता है। तो प्रोग्राम हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उसके डीबगिंग भी बहुत सिंपल हो जाती है, इसलिए हम सब
सबरूटीन का प्रयोग करते हैं। तो अब हम डेफिनेशन को एक बार फिर से देख रहे हैं। ए सबरूटीन इज ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन सेपरेटली फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। तो वही सेम चीज हमने यहाँ पे करी है कि जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके प्रोग्राम के अंदर बार बार रिपीट हो रही थी उसको हमने मेन प्रोग्राम से हटा के दूसरी जगह लिख दिया है, इसलिए सबरूटीन इज रिटन सेपरेटली फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। और ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रही है दैट ऑकर्स रिपीटेडली इन द मेन प्रोग्राम। और ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने इस केस में सबरूटीन का प्रयोग किया है। अब कॉमन लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि सबरूटीन्स का प्रयोग कहाँ पर होता है। आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पे सभी लोग गए हैं, रेलवे स्टेशन पे हम ट्रेन की डिटेल एक एलईडी स्क्रीन पर आती है, वहां पर क्या होता है कि कुछ ट्रेन की इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर आ रही होती है, वो डिस्प्ले कुछ देर के लिए रुका रहता है, फिर कुछ सेकंड्स के बाद जो ट्रेन की इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगी, अगली ट्रेन की इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर आएगी, फिर से कुछ देर के लिए रुकेगा, फिर से नेक्स्ट ट्रेन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ट्रेन की इंफॉर्मेशन एलईडी स्क्रीन पर आ रही है, ये हमारा इवेंट है, और हम क्या कर रहे हैं उन इवेंट्स के बीच में कुछ देर का टाइम डिले दे रहे हैं। तो टाइम डिले करने के लिए या टाइम डिले के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर में जनरली सबरूटीन्स का प्रयोग करते हैं। और टाइम डिले के लिए जो हमें कमांड्स लिखने हैं, क्योंकि ये डिले हमें बार बार काम में लेना होता है, तो डिले के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इसी प्रकार से हमारे प्रोग्राम में बार बार आएंगी। तो उन्हें बार बार लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, डिले के लिए जो हमने सबरूटीन या कमांड्स लिखे हैं वो हम प्रोग्राम के बाहर लिख देते हैं, और जब भी हमें डिले की आवश्यकता होती है तो हम कॉल इंस्ट्रक्शन के द्वारा उस डिले को सबरूटीन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये और समझा है कि सबरूटीन को मेन प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने के लिए हमें दो स्टेटमेंट्स की आवश्यकता होती है, एक को हम कहते हैं कॉल, और कॉल के साथ हमें एक और स्टेटमेंट काम में लेनी है रिटर्न। तो सबरूटीन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें दो स्टेटमेंट्स की आवश्यकता है, कॉल और रिटर्न। अब हम देखते हैं कि कॉल और रिटर्न को माइक्रो प्रोसेसर किस प्रकार से एग्जीक्यूट करता है। सबरूटीन के एग्जीक्यूशन के लिए हमें दो कमांड्स की जरूरत पड़ती है, कॉल और रिटर्न। कॉल कमांड का सिंटैक्स है कॉल 16 बिट एड्रेस, ये एक 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कॉल 2070। इस कमांड को हम इस प्रकार से एंटर करेंगे, पहले तो इसका ऑपकोड लिखना है, ऑपकोड के बाद हम ये 16 बिट एड्रेस लिखेंगे 70 और 20। तो इस तरह से टोटल 3 बाइट्स हो गए हैं, फर्स्ट बाइट ऑपकोड, सेकंड बाइट एड्रेस की लोअर ऑर्डर बाइट, थर्ड बाइट हो गई एड्रेस की हायर ऑर्डर बाइट। तो ऑपकोड के साथ हमें 2 बाइट्स और स्पेसिफाई करना है, इसलिए ये एक 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि ये एक 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को सबरूटीन एड्रेस पर ट्रांसफर करता है। और ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर कॉल 2070 पर आता है तो वो अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को छोड़ के इस लोकेशन 2070 पर जंप कर जाएगा, इसलिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को सबरूटीन एड्रेस जो कि हमारे केस में है 2070 पर ट्रांसफर करता है। इसको करने से पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पर को सबरूटीन एड्रेस पर ट्रांसफर करने से पहले उसे दो काम करने हैं, एक प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को स्टैक में सेव करना, और इससे क्या होगा, जिससे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 से कम हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम स्टैक में कोई वैल्यू सेव करते हैं तो स्टैक ऊपर की तरह बढ़ता है और एड्रेस डिक्रीमेंट होते हैं, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 से कम हो जाएगी। और कॉल इंस्ट्रक्शन के सेकंड व थर्ड बाइट द्वारा स्पेसिफाई किए गए कॉल एड्रेस पर अनकंडीशनली जंप करना है। वैसे ही नेक्स्ट वाले कमांड है रिटर्न इंस्ट्रक्शन, ये एक
वन बाइट इंस्ट्रक्शन है। स्टैटिस्टिक क्या होगा कि ये कमांड किसके काम में आता है कि सब रूटीन से मेन प्रोग्राम में वापस रिटर्न करने के लिए हर सब रूटीन की लास्ट स्टेटमेंट होती है रिटर्न इंस्ट्रक्शन। ये कमांड क्या करता है कि स्टैक के अंदर जो हमने प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू सेव करी थी वो वैल्यू को वापस स्टैक से रीड करके प्रोग्राम काउंटर में कॉपी कर देता है। तो ये स्टैक की टॉप मोस्ट 2 बाइट्स को प्रोग्राम काउंटर में कॉपी कर देता है और इसके कारण क्या होगा, स्टैक की दो वैल्यूज हम लेकर आ रहे हैं तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगी और क्योंकि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हमने चेंज कर दी है इस कारण से अनकंडीशनली हम सब रूटीन से रिटर्न कर जाएंगे और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वापस जिस जगह हमने स्टॉप किया था वहीं से वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। तो और डिटेल में समझने के लिए हम और डिटेल में इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को देख रहे हैं, कॉल और रिटर्न। यहाँ हमने एक प्रोग्राम का कुछ पार्ट काम में लिया है इस कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए। ये स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जब भी हम सबरूटीन काम में लेते हैं तो हमें स्टैक भी इनिशियलाइज करना है कि हमारी स्टैक मेमोरी कहाँ से शुरू हो रही है। तो इस एग्जांपल में आप ध्यान से देखिए कि हमने सबसे पहले इस कमांड को काम में लिया है LXI SP2400। ये कमांड क्या करेगा, स्टैक पॉइंटर के अंदर 2400H की वैल्यू स्टोर कर देगा। H या हेक्साडेसिमल बता रहा है तो इस कमांड के द्वारा स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2400H हो जाएगी और यहाँ स्टैक मेमोरी के अंदर यहाँ पे हमारा स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है और ये इस लोकेशन से हमारी स्टैक मेमोरी स्टार्ट हो रही है। अब प्रोग्राम में जैसे ही हम आगे चल रहे हैं तो हमारे पास 2010 वाली मेमोरी लोकेशन पर हमने कॉल इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया है और कॉल के बाद जो हमारा 16 बिट एड्रेस है वो है 2070। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम देखें कि माइक्रोप्रोसेसर अब इस कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करेगा। इस कमांड के ऊपर हमारे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है 2010। इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर को 5 मशीन साइकिल्स की आवश्यकता होती है। फर्स्ट मशीन साइकिल में उसे क्या करना है, इस इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को फेच करना है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में वो ऑपकोड को फेच करके लाएगा। जैसे ही ऑपकोड को फेच करेगा प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू अब हो जाएगी 2011। 2010 के अंदर उसे मेमोरी से कॉल एड्रेस की लोअर ऑर्डर बाइट को रीड करता है जो कि है 70H। तो हमारी सेकंड मशीन साइकिल यहाँ पे हो रही है मेमोरी रीड साइकिल, जिसके अंदर हमने कॉल एड्रेस की लोअर ऑर्डर बाइट 70H को रीड किया है। जैसे इसको रीड करके ले आएंगे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगी 2012। इस मशीन साइकिल के अंदर हमें कॉल एड्रेस की हायर ऑर्डर बाइट को रीड करना है जो कि है 20H। तो नेक्स्ट मशीन साइकिल भी हमारी मेमोरी रीड साइकिल है जिसके अंदर हमने 20H को रीड किया है और 20H को रीड करते ही प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो गई है 2013। ये 2013 को किसका एड्रेस है, नेक्स्ट कॉल के बाद जो भी हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखी है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है 2013 जो कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर सेव है। अब सबरूटीन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मेन प्रोग्राम को छोड़ के सबरूटीन पे जंप करना है, लेकिन जंप करने के बाद हमें सबरूटीन एग्जीक्यूट करनी है। एग्जीक्यूट करने के बाद एक लास्ट स्टेटमेंट होती है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, सबरूटीन को छोड़ के वापस मेन प्रोग्राम में आ जाएगा। तो मेन प्रोग्राम में आने के लिए हमें मेन प्रोग्राम को जिस जगह हमने छोड़ा है उस
मेमोरी लोकेशन का एड्रेस मालूम होना चाहिए और वो लोकेशन है 2013। इसलिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि पॉइंट्स के अंदर कि हमें क्या करना है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को स्टैक में सेव करना है। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है 2013। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रोग्राम स्टैक में जब भी हम कोई पुश इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 2 से कम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 1 से कम हो गई, इसका मतलब हम ये पॉइंट कर रहा है 23FF को, 2400 को 1 से कम करेंगे। ये एड्रेस हेक्साडेसिमल में है इसलिए जैसे इसको 1 से कम करेंगे तो ये वैल्यू हो गई है 23FF। इस मेमोरी लोकेशन के अंदर हमें प्रोग्राम काउंटर लो की वैल्यू को सेव करना है। तो नेक्स्ट एड्रेस का इंस्ट्रक्शन सेव करने के लिए हमें क्या करना है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 से कम किया, अब हमें प्रोग्राम काउंटर हाई की वैल्यू जो कि है 20H को हम स्टैक में सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया प्रोग्राम काउंटर हाई की वैल्यू जो कि है 20H। नेक्स्ट, और ये एक मेमोरी राइट साइकिल है क्योंकि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को हमने स्टैक मेमोरी के अंदर सेव किया है, तो हमें एक और मशीन साइकिल की जो जरूरत पड़ी थी जिसको हम कह रहे हैं मेमोरी राइट साइकिल। और इस मेमोरी राइट साइकिल में हमने क्या किया है, प्रोग्राम काउंटर हाई की वैल्यू को स्टैक में सेव किया है। अब हमें प्रोग्राम काउंटर का बचा हुआ यानी कि लोअर ऑर्डर बाइट को भी स्टैक में सेव करना है। तो फिफ्थ मशीन साइकिल के अंदर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू फिर से 1 से डिक्रीमेंट होगी और नई वैल्यू हो जाएगी 23FEH। स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 से कम करने पे यहाँ पे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो गई है 23FEH। कम करने के बाद हमें प्रोग्राम काउंटर की जो भी लोअर ऑर्डर बाइट है यानी कि 13H उसे स्टैक में सेव करना है। और क्योंकि मेमोरी में सेव कर रहे हैं इसलिए हमारी लास्ट मशीन साइकिल है मेमोरी राइट साइकिल, जिससे अंदर हम प्रोग्राम काउंटर लो की वैल्यू को स्टैक में सेव कर रहे हैं। तो एक बार हमने रिटर्न एड्रेस यानी कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को स्टैक में सेव कर दिया। लास्ट स्टेप है कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर नई वैल्यू जो कि हमने कॉल करके लेकर आए थे, यहाँ पे इस लास्ट वाली मेमोरी राइट साइकिल में एक काम और हो रहा है। जैसे प्रोग्राम काउंटर लो की वैल्यू स्टैक में सेव हो गई, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं और नई प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कर दी है 2070H जो कि हमारा सबरूटीन का एड्रेस है। और क्योंकि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज हो गई है इसलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी वो सबरूटीन की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी क्योंकि प्रोग्राम काउंटर अब हमने चेंज करके कर दिया है 2070H। इस कारण से अगली इंस्ट्रक्शन जो माइक्रोप्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा वो सबरूटीन की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी और वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेगा। और लास्ट स्टेटमेंट कौन सी है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम कंटिन्यू में एग्जीक्यूट हो रहा है, 2010 के ऊपर हमारी कॉल 2070 है, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू स्टैक में सेव कर दी। स्टैक में सेव करने के बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस मेन प्रोग्राम को छोड़ के सबरूटीन पे चला गया है जो कि हमारे 2070 से स्टार्ट है। सबरूटीन हमारी लास्ट स्टेटमेंट आ रही है 2078 के ऊपर जो कि है रिटर्न इंस्ट्रक्शन। अब हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर रिटर्न इंस्ट्रक्शन को किस प्रकार से एग्जीक्यूट करेगा। रिटर्न इंस्ट्रक्शन स्टैक में ऊपर की जो भी दो वैल्यूज हैं जो कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू लो और प्रोग्राम काउंटर हाई की वैल्यू है
उसको स्टैक में से रीड करेगा। रीड करने के लिए सबसे पहले ये जो 13H है, क्योंकि 2078 वाली लोकेशन यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे रिटर्न पे पहुंचेंगे तो ये प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है 2078। और रिटर्न स्टेटमेंट किस प्रकार से एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले स्टैक पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू को लेकर आना है हमें प्रोग्राम काउंटर लो के अंदर। तो यहाँ पे 78 से ये हो जाएगा 13H। उसके बाद स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, जैसे कि वो अब पॉइंट कर रहा है 23FF को। 23FF में जो 20H है इसको रीड करके प्रोग्राम काउंटर हाई में लेकर आना है और फिर से स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट कर देना है। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे जो स्टार्टिंग में स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 23FEH वो इंक्रीमेंट होकर हो गई है 2400H, क्योंकि हमने स्टैक से 2 बाइट जो कि प्रोग्राम काउंटर लो व प्रोग्राम काउंटर हाई की वैल्यू है उसे रीड करके प्रोग्राम काउंटर में ले आए हैं और इस कारण से प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज होकर हो गई है 2013। और प्रोग्राम काउंटर 2013 है यानी कि अगली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी वो होगी 2013। तो रिटर्न से वो यहाँ जंप कर गया है 2013। यानी यहाँ पर भी आप देखिए इस फिगर में भी यही दिखाया है कि रिटर्न से वो जंप कर रहा है 2013 के ऊपर और वहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दोबारा से स्टार्ट कंटिन्यू हो रहा है। तो हमने दो इंस्ट्रक्शंस देखी हैं यहाँ पे, एक है कॉल इंस्ट्रक्शन और दूसरी है रिटर्न इंस्ट्रक्शन। कॉल एक 3 byte इंस्ट्रक्शन है और 3 byte को इस 3 byte इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को 5 मशीन साइकिल्स की जरूरत पड़ी, जिसके अंदर पहले वाली थी ऑपकोड फेच साइकिल, दूसरी है मेमोरी रीड साइकिल जिसके अंदर इसने कॉल एड्रेस की लोअर ऑर्डर बाइट को मेमोरी से रीड किया, थर्ड मशीन साइकिल भी मेमोरी रीड साइकिल है जिसमें कॉल एड्रेस की हायर ऑर्डर बाइट को रीड किया है, नेक्स्ट टू मेमोरी साइकिल्स है मेमोरी राइट साइकिल जिसके अंदर उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो कि प्रोग्राम काउंटर में सेव था उन प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को स्टैक में सेव किया और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू स्टैक में सेव करने के कारण स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 से कम हो गई। उसी प्रकार से रिटर्न इंस्ट्रक्शन एक 1 byte इंस्ट्रक्शन है और इस रिटर्न कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को 3 मशीन साइकिल्स की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर फर्स्ट बाइट हमेशा होगी की तरह ऑपकोड फेच है तो उसने रिटर्न कमांड का ऑपकोड रीड किया है, सेकंड मशीन साइकिल है मेमोरी रीड साइकिल जिसमें उसने स्टैक पॉइंटर वाली मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स, इस स्टैक पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को भी पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को वो प्रोग्राम काउंटर लो में स्टोर कर रहा है, फिर थर्ड एक और मेमोरी रीड साइकिल है जिसमें स्टैक पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को प्रोग्राम काउंटर हाई में लेकर आता है। तो 2 बाइट्स लो स्टैक से रीड कर रहा है और उसे प्रोग्राम काउंटर में स्टोर कर रहा है और इसके कारण हमारे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन का जो डिफरेंस है वो हम देख रहे हैं कि कॉल इंस्ट्रक्शन स्टैक में वैल्यू सेव कर रहा है प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को, जिससे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 से कम हो रही है, लेकिन रिटर्न इंस्ट्रक्शन में हम फर्स्ट ऊपर की 2 बाइट को स्टैक से रीड करके प्रोग्राम काउंटर में ला रहे हैं, जिसके कारण प्रोग्राम स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो रही है। आप लेक्चर के स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन देखे थे तो सबरूटीन टॉपिक समझने के बाद हम सभी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन लिस्ट में सेकेंड नंबर पे था, एक्सप्लेन सबरूटीन एंड राइट ए सबरूटीन टू एक्सचेंज कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर पेयर डी ई विद एच। एक्सप्लेन सबरूटीन तो अब हम लिख सकते हैं। अब ये सबरूटीन देख रहे हैं यहाँ पे, वैसे 805 की एक इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर एक कमांड है XCHG। इस कमांड के द्वारा हम HL रजिस्टर पेयर की वैल्यू को DE रजिस्टर पेयर के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि ये हमारा मेन प्रोग्राम है जहाँ पे हमने कॉल सबरूटीन एड्रेस लिखा है 2070। 2070 के ऊपर हमने सिर्फ एक सिंपल कमांड लिखा है XCHG और नेक्स्ट वाला कमांड है रिटर्न। तो ये XCHG वाला कमांड हमारा ऑटोमेटिकली HL रजिस्टर पेयर की वैल्यू को DE रजिस्टर पेयर के साथ एक्सचेंज कर देगा। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर जब हमने स्टैक को पढ़ा था वहां पर भी हमने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का पार्ट देखा था जहां पर HL रजिस्टर पेयर की वैल्यू DE रजिस्टर पेयर के साथ एक्सचेंज हो रही थी। तो वो सेम कमांड हम एक्सचेंज इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबरूटीन के अंदर हमने चार कमांड्स लिए हैं जिसमें पुश एच, पुश डी, क्योंकि इस कमांड से पुश एच से जहां पर भी हमारा स्टैक स्टार्ट हो रहा है, सपोज ये लोकेशन हमारी स्टैक पॉइंटर है, पुश एच से पहले एच की वैल्यू फिर एल की वैल्यू स्टैक में सेव हो जाएगी और स्टैक पॉइंटर इस जगह पे पॉइंट करेगा। फिर पुश डी से डी ई रजिस्टर पेयर की वैल्यू स्टैक में सेव हो जाएगी और स्टैक पॉइंटर अब इस लोकेशन पर आ जाएगा कम होते होते। नेक्स्ट कमांड है पॉप एच, यानी कि स्टैक की ऊपर की दो लोकेशन की वैल्यू एचएल रजिस्टर पेयर के अंदर चली जाएंगी। सपोज ये है एच एल, तो ई की वैल्यू एल के अंदर, डी की वैल्यू एच के अंदर और स्टैक पॉइंटर दो से इंक्रीमेंट होके इस जगह पर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला है पॉप डी, यानी कि स्टैक पॉइंटर के नेक्स्ट टू बाइट्स, सपोज ये हमारे हैं डी और ई रजिस्टर, तो ये नेक्स्ट बाइट ई रजिस्टर के अंदर, ये वाली बाइट डी रजिस्टर के अंदर, तो एच एल रजिस्टर की वैल्यू आ गई है डी ई रजिस्टर पेयर के अंदर। तो इस तरह से भी ये दो पुश और दो पॉप कमांड काम में लेकर भी हम रजिस्टर पेयर डी ई और रजिस्टर पेयर एच एल की वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं।